भूख गुर्बत बीमारी हमारा मुकद्दर नहीं, हम बनाएंगे सरसब्ज खुशहाल बुद मुख्तार पाकिस्तान। कौन है जो हमें रोकेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कटिंग एज के साथ मैं हूँ रीमा शौकत। नाज़रीन, पाकिस्तान पिछले 14 साल से नेशनल लेवल पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। 9/11 से ऑनवर्ड्स लोकल और फॉरेन बेस्ड टेररिज्म से स्टेट ऑफ पाकिस्तान की ना इबादत गाहें महफूज हैं, ना बाजार, ना गली मोहल्ला और ना ही कोई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। आम आदमी से लेकर पॉलिटिकल फिगर तक अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल APS पेशावर में होने वाले वाक़े ने पूरी कौम और तमाम सियासी जमातों को यकजा करके अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े होने पर मजबूर कर दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी और मौजूदा गवर्नमेंट मिलकर नेशनल एक्शन प्लान को सामने लाए। नाज़रीन, जनवरी 2015 में इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई, जिसके मुताबिक सन 2014 में एंटी स्टेट वायलेंस रियासत मुखालिफ तशद्दुद के वाकयात में 5388 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 3954 अफराद इन वाकयात में ज़ख्मी हुए। आज इसी इदारे के दो रिस्पेक्टेबल डायरेक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे इनका तारुफ़ कराती चलूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गुलदात, जो कि सीनियर एनालिस्ट और डायरेक्टर रिसर्च हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में। इनके साथ मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल्ला खान, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के। सर, आई वेलकम यू बोथ टू द शो। मिस्टर अब्दुल्ला खान, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आप अपने थिंक टैंक की एक्टिविटीज़ के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PICS या पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ बुनियादी तौर पर रियासत मुखालफ तशद्दुद जो पाकिस्तान में हो रहा है इसके ऊपर फोकस एक इदारा है, और पाकिस्तान जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ती और सेंट्रल एशिया में जो रियासत मुखालफ मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं या जो भी कॉन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी इशूज़ हैं उस पर फोकस हमारा एक इदारा है, और इस इदारे में हम मुख्तलिफ काम करते हैं। उसमें कॉन्फ्लिक्ट प्रोफाइल्स हैं, मिलिटेंट लीडरशिप प्रोफाइलिंग होती है, काउंटर रेडिकलाइजेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो सबसे मेजर काम है ये कि हम डेली, वीकली, मंथली सिक्योरिटी रिपोर्ट्स जारी करते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान में होने वाले रियासत मुखालफ तशद्दुद के बारे में जो अदाद व शुमार फील्ड से हमारे अपने रिपोर्टर्स और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स और वॉलंटियर्स जो हमें भेजते हैं उसकी बुनियाद पर हम सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट जारी करते हैं कि कौन से इलाके में क्या सिचुएशन है और क्या पोजीशन है। तो ये बुनियादी तौर पे हमारा एक डेडिकेटेड थिंक टैंक है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑन सिक्योरिटी इश्यूज़ पर जनूबी एशिया, सेंट्रल एशिया और वस्त एशिया के ऊपर, ये मशरक़ वस्ती के ऊपर फोकस एक इदारा है हमारा। ये हमारे बुनियादी काम है, और इस इदारे में एक हमारा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, लेकिन हमारे जो वॉलंटियर्स हैं और हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं उसके अंदर हमारे अपने लोग मौजूद हैं जो हमें बराह रास्त रिपोर्ट करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम अपना एक डाटा बेस मेंटेन करते हैं। उस डाटा बेस को पिछले कई साल का डाटा हमारे पास मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर हम एक ट्रेंड्स जो हैं वो बताते हैं अपने जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं कि भाई इस वक्त वायलेंस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ये हमारा बुनियादी काम है मुख्तसरन जो मैं आपको। आपके इदारे की इस एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में सिविल और मिलिट्री दोनों को मिलाकर कुल कितने इंसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी? जी शुक्रिया मिस रीमा। 2014 पाकिस्तान में मिलिटेंसी के हवाले से काफ़ी खून रेज साल साबित हुआ है, जिसमें टोटल 5388 लोगों की जी बिल्कुल जो जानी नुकसान हुआ, और इसके अलावा 3954 लोग जो हैं वो इस पूरे साल में ज़ख्मी भी हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट्स 2014 में रहे वायलेंट इंसिडेंट्स, उसमें मिलिटेंट अटैक्स भी शामिल हैं और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कार्रवाइयाँ भी हैं वो भी शामिल हैं,
वो 2821 कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड की गई हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2014 के मुकाबले में जो 2013 हैं उसको अगर आप कंपेयर करें तो 2013 में और 2014 में जो मेजर डिफरेंस वो ये था कि अगर आप देखें कि जो 2013 में अमवात थी वो 3623 टोटल अमवात थी, जबकि ये अमवात बढ़ के 2014 में 5388 हो गई। और जो 2014 में जो कत्ल को अगर आप उनके जो मुख्तलिफ जो लोगों के हैं उसको क्लासिफाई करें कि अमवात जो हैं वो किस किस कैटेगरीज में हुई हैं, उस जो एक जो मेजर कैटेगरी है उसको डिफोसिस पर्सनल हैं जो 645 लोग 2014 में कत्ल हुए हैं। इसके अलावा 3420 मिलिटेंट्स उनकी अमवात हुई और 1243 सिविलियंस हैं वो कत्ल हुए हैं, जबकि 2013 में यह तादाद कुछ इस तरह से थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस 573 लोग मारे गए, मिलिटेंट्स 1506 लोग मारे गए और जो सिविलियंस थे वो 1496 सिविलियंस कत्ल किए गए थे। वो 2013 के मुकाबले में 2014 में नंबर ऑफ़ इंजर्ड जो हैं वो कम हैं, उससे यानी 2013 में नंबर ऑफ़ पीपल इंजर्ड थे वो 5363 थे, जबकि यह तादाद 2014 में 3954 हो गई। अगर आप इस पूरे साल को फर्दर क्लासिफाई करें उसको अगर आप देखें वो बाद में ज़िक्र भी हम करेंगे इसको ऑपरेशन के हवाले से, अगर आप उसको 4 quarters में डिवाइड करें तो आपका जो वायलेंस है वो क्वार्टर टू क्वार्टर रिड्यूस होता जा रहा है। 2014 की बात कर रहे हैं कि आपका ओवरऑल जो वायलेंस है 2013 के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप विद इन द ईयर उसको 4 quarters में डिवाइड करके चेक करें तो आपका वायलेंस पहले क्वार्टर्स के मुकाबले में जो दूसरा क्वार्टर है उसमें कम और यूं मतलब फ्रीज एंड तक जो है वो कम होता जाता है। उसके अवामिल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मिस्टर अब्दुल्ला, आप क्या समझते हैं कि पूरे डेकेड में सिक्योरिटी लैप्सेस क्या थे और हमारे किन इदारों की कैपेसिटी चैलेंजेस के मुताबिक नहीं थी? देखिए, अगर पिछले पूरे एक अशरे बल्कि आप यूँ कह लें कि आपने 2004 को बयान किया, लेकिन ये है कि हमारे पास जो वायलेंस स्टार्ट हो गया था वो 9/11 के फौरन बाद कुछ अरसे बाद, जो 2002 में हमारा पहला खुदकुश हमला कराची में हुआ था, तो उसके बाद ये चीज़ें हमारे मुल्क में स्टार्ट हो चुकी थी। 2007 में एक वाटरशेड मोमेंट लाल मस्जिद का था, उससे पहले जो सिचुएशन थी उसको अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो 2 major इसके हिस्से बनते हैं, अब इसके 3 हिस्से बन गए हैं अगर ऑपरेशन ज़र्ब आज़्म को भी आप डिस्कस करें। एक हिस्सा है 9/11 से लेकर 2007 जुलाई तक जिस वक्त लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ, दूसरा है लाल मस्जिद ऑपरेशन से लेकर ऑपरेशन ज़र्ब आज़्म तक, और तीसरा ऑपरेशन ज़र्ब आज़्म से बाद। और अभी अगर मज़ीद क्लासीफाई करें तो ये जो APS पेशावर का सानिया हुआ उसके बाद एक और इसका हिस्सा बनता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी इदारों की जो कैपेसिटी है उसकी कमी के हवाले से अगर जो बात है, मैं नहीं समझता कि कैपेसिटी कम थी, बल्कि अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को अक्रॉस द बॉर्डर अफ़गानिस्तान में, आपको पता है पूरी दुनिया के लोग मिलिट्रीज वहाँ पे अमेरिका के झंडे के नीचे वो एक ग्रुप के खिलाफ जो अफ़गान तालिबान हैं वो लड़ने के लिए आए, लेकिन वो उनको सक्सेस नहीं मिली और बिलाखर उनको विड्रा करना पड़ा और अभी तक अफ़गानिस्तान का एक इशू बना हुआ है। उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों का को देखें और फिर आप वो एक मैप को अगर आप माइंड में रखें तो 2007 से पहले भी बाजोड़ मोहम्मद एजेंसी ये ऑलमोस्ट मिलिटेंट्स के कंट्रोल में थी, फिर ये एक्सपेंड हो गए, फिर आप उधर जनूबी वज़ीरिस्तान इनके कब्ज़े में आ गया, फिर सवात इनके कब्ज़े में आ गया। ठीक है, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किए वो मोहम्मद एजेंसी से बाजोड़ एजेंसी से स्टार्ट किए, पहले उनको क्लियर किया, फिर सवात को क्लियर किया, फिर साउथ वज़ीरिस्तान को क्लियर किया, फिर आप मुख्तलिफ आप बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं कि जी भी हम इतना लेट हमने ऑपरेशन क्यों किया, तो ये है जो शुमाली वज़ीरिस्तान में जो अभी ऑपरेशन ज़र्ब आज़्म की लोग बात करते हैं, तो वो लोग ये नहीं देखते कि हमारी मिलिट्री गुज़श्ता 8 साल के दौरान कहीं ना कहीं ऑपरेशन में मसरूफ़ रही है। और ये नहीं है कि आप इतनी कोई ये कोई दानिशमंदी नहीं है कि आप हर वक्त जो है हर जगह पर कोई ना कोई जो है वो फ्रंट खोल लें, कोई महाज खोल लें, तो ग्रेजुअली हमारी मिलिट्री की कैपेसिटी जो हम लोगों ने काम किया वो दुनिया में किसी की इसकी मिसाल शायद कम ही मिलती है। श्रीलंका में अगर तामिलों की जो इंसर्जेंसी है उसके ऊपर अगर कंट्रोल हुआ तो उसका भी क्रेडिट आज तक वो श्रीलंका वाले आपको ही कह रहे हैं कि भाई ये
पाकिस्तान की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की मिलिट्री ने या पाकिस्तान के इदारों ने किया है, तो कैपेसिटी का इशू नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ थी, जो थी वो ये थी कि हमारे सोसाइटी में एक डिवीज़न था। क्यों कि एक ऐसा वक्त था कि हम जिहाद के नाम पर मुख्तलिफ़ ग्रुपों को, मुख्तलिफ़ तहरीकों को सपोर्ट करते रहे। हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ मौजूद थी, उसमें सोसाइटी मजमूई तौर पर क्लियर नहीं थी, ये हमारे दुश्मन हैं या नहीं है, अमेरिका की ये लड़ाई है अमेरिका, और यकीनी तौर पे ये बात इसमें बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान में आने से पहले यहाँ पे इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं थी। अब मुख्तलिफ ग्रुप मौजूद थे लेकिन पाकिस्तान के अंदर वायलेंस की कोई कैफियत नहीं थी। अब अमरीका यहाँ पर आया, लोगों को पोलिटिकल रीज़न मिली और उन्होंने फिर वायलेंस स्टार्ट किया और फिर वो ये सारा सिलसिला चला। तो ये जो हमारा जो सोसाइटी का एक सेगमेंट, वो एक बड़े अरसे तक इन ग्रुपों को के साथ हमायत करता रहा है और अब भी एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जो किसी ना किसी ग्रुप के साथ हमदर्दियां रखते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी वो बतदरीज उनकी तादाद कम होती चली जा रही है। तो ये कैपेसिटी एक तो ये थी कि हमारा मुआशरा, हमारी आबादी डिवाइडेड थी। दूसरी बात यह थी कि अगर आप ये देखें कि जिस वक्त हमारी मुसल्ला अफवाज जनरल मुशर्रफ के दौर में सियासी मतलब मामलात में उनकी मुदाखलत थी, तो उनको उस वक्त वो पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल नहीं थी जो कि दरकार होती है इस तरह की जंग के हवाले से। फिर आपके जब जनरल मुशर्रफ ने वर्दी उतारी और उसके बाद ये मामलात जनरल कियानी के हाथ में आए, तो आपने देखा कि ग्रेजुअली हमारी फोर्सेस का जो इमेज है वो बिल्ड हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट भी आ गई। जो स्वात ऑपरेशन है 2009 में, जब ये स्वात ऑपरेशन हुआ, तो उसके पीछे मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना उसके पीछे खड़ी थी। तो वो जो पॉलिटिकल जो सपोर्ट थी वो लैक कर रही थी, पहले वो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना शुरू हुई और आर्मी टोटली फोकस होके तो उसने अपना काम स्टार्ट किया और उसकी वजह से जो है ना मुआशरे में बतदरीज मिली। तो कैपेसिटी एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने कैपेसिटी की बात की, वो हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए फ़ौज का काम है इलाकों को क्लियर करना और कुछ अरसे तक उसको अपने पास रखना, ठीक है। देन फौज अपने किसी भी मुल्क के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकती। ये काम होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो उस गैप को पूरा करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि सवाद में अब मिलिट्री जो है 2012 में हैंडओवर कर दिया, लेकिन अभी तक मिलिट्री वहाँ पे इंस्टॉल है, वहाँ पे कंटोनमेंट्स हैं और मिलिट्री डिप्लॉयड। क्यों है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक उस जो वो गैप है, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसको फिल करने के की पोजीशन में नहीं है, ठीक है। और हमारी सिविल साइड पे वो क्लैरिटी बहुत देर से आई है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो अभी जो फाटा में जैसे साउथ वज़ीरिस्तान मिलिट्री ने क्लियर कर लिया, लेकिन स्टिल उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखभाल के लिए मिलिट्री वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उसके लिए हमने कोई पीछे कोई ऐसा प्लान जो कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबल प्लान, क्योंकि देर पा सोल्यूशन चाहिए। फौज तो क्लियर करके चली जाएगी, फिर क्या होगा, वो लोग वापस आ जाएंगे। अमेरिका देखें अफगानिस्तान में, उसके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं था। अब वो 12-13 साल 14 साल वहाँ लड़े और उसके बाद अभी पोजीशन ये है कि वो यही पोजीशन में। आपने जिक्र किया 2004 से 2014 तक के तमाम इन वाक़ियात का, तमाम उन अवामिल का जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बायस बनते हैं। आप 2015 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि भाई इसकी मुख्तलिफ अगर सेगमेंटेशन हम करें तो एक सेगमेंट बनता है आपका ये ऑपरेशन, ये पेशावर स्कूल के बाद का। हमने ये नोट किया है पिक्स में कि ज़रब अज़ब से पहले जो वायलेंस है वो तारीखी तौर पे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था, फिर ग्रेजुअली डाउन हुआ। और एपीएस के बाद जब जनवरी में हमने नेशनल एक्शन प्लान अनाउंस किया और उसके बाद ज़्यादा फोकस होके हमने, क्योंकि कौम भी पूरी जो है ना, जिसमें किसी को डाउट था भाई इस वाक़े के बाद जो फ़ौज के साथ लोग खड़े हो गए, तो उसके बाद एक आप कह लें कि बहुत ज़्यादा वायलेंस में रिडक्शन आई है। और उस रिडक्शन के नतीजे में हमने देखा है कि भाई फाटा और केपीके में और सिंध में बहुत ज़्यादा सलामती की सूरत हाल पिछले ये जो 6 महीने में बहुत बेहतरी आई है उसमें। और ये जो बेहतरी है इसके बड़े अच्छे नतीजे हैं, लेकिन उसमें एक परेशान कुन बात जो है वो ये है कि भाई वायलेंस जो बलोचिस्तान में है वो ऊपर की तरफ जा रहा है।
बलूचिस्तान के बारे में मैं आपसे अभी बाद में बात करूंगी। मिस्टर गुलदार, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। गुज़िश्ता माह हमने देखा कि शिद्दत पसंदी की लहर में एक बार फिर इजाफा आया है, ख़ासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान में। आपके इदारे की रिपोर्ट भी यही कहती है कि सिंध और बलूचिस्तान में जो पिछले माह में जो वायलेंस है उसकी शरह बढ़ी है, आप इसके क्या मुहरिकात देखते हैं? देखिए, जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि 2014 को आप क्वार्टरली उसको डिवाइड करके चेक करें और उसको उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो वहाँ पे जो वायलेंस है वो बतदरीज कम होता जा रहा है टुवर्ड्स द एंड। अगर जो उसमें चंद हाई प्रोफाइल इंसिडेंट्स भी हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप 2014 के एंड की बात करें तो दिसंबर में APS पे अटैक हुआ और बहुत बड़ा गना शदीद किस्म का अटैक था, उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज भी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उसको फिगर्स को कंपेयर करें तो पहले जो तीन क्वार्टर्स हैं, यानी डेफिनेटली दिसंबर आपका उसमें जो वाकया है वो आखिरी क्वार्टर में आया, तो जो पहले उस 2014 के पहले तीन क्वार्टर्स हैं उसमें वायलेंस ज़्यादा रहा एज़ कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर। अगर आप इसी पैटर्न को एक्सपेंड करते हुए 2015 को भी, उसके फर्स्ट क्वार्टर को भी साथ शामिल कर लें, तो आप ये भी देखेंगे कि उसके जो 2015 का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें वायलेंस मज़ीद कम हुआ है। अब ये जो आपको हमारी रिपोर्ट जो इसमें मई में पब्लिश हुई है, मई 2015 की रिपोर्ट है, उसमें ये चीज़ बताई गई है कि मुल्क में वायलेंस कंपैरेटिवली बढ़ा है। अब कंपैरेटिवली से मुराद ये है कि पिछले माह के मुकाबले में उसमें वायलेंस में इजाफा हुआ है, ना कि वो वायलेंस की सिचुएशन वापस आ गई है जो कि 2014 के शुरू में या मिड में। आप ही के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से ऑनवर्ड्स बतदरीज वायलेंस में कमी आई थी, जबकि अब पिछले दो माह में वायलेंस में इजाफा देखा गया है। सही, उसमें भी जो मैं आप बता रहे हैं ना कि उसकी मुहरकात की अगर आपने बात की कि उसकी मुहरकात क्या हैं, ये जो वायलेंस में जो इंक्रीज़ हुआ है 2015 के, स्पेशली आप इस पर्टिकुलर मंथ की जब आप बात कर रही हैं, उसमें जो वायलेंस इंक्रीज़ हुआ है उसकी इंटरनल मुहरकात भी हैं और उसके एक्सटर्नल मुहरकात भी मौजूद हैं। सही है मिस्टर गुलदार, मैं आपसे सिंध और बलूचिस्तान के ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल मुहरकात हैं इनके बारे में बात करूंगी। अभी हमारे पास एक ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मिस्टर गुलदार, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और टीवी टॉक शोज़ में पाकिस्तान में रॉ की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात की जा रही है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, रॉ की जो इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपने टीवी टॉक शोज़ या मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की बात की, अभी तो ये बात इससे काफ़ी आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान में रॉ की इन्वॉल्वमेंट के मतलब बहुत अरसे से बातें हो रही हैं और ये हम बहुत शुरू से सुनते आ रहे हैं। सिर्फ हुआ ये है कि इससे पहले जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ थी वो किसी हद तक ढकी छुपी होती थी, दुनिया को नहीं बताया जाता था, वरना जो गवर्नमेंट है या जो रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनको तो पता था कि इंडियन की इन्वॉल्वमेंट तो मौजूद है। अब इस दफ़ा ये हुआ कि जब वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है, और वो बढ़ी है, क्यों बढ़ी है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा बाद में, लेकिन जब वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है और इस हद तक बढ़ी है कि वो पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं या जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जब उन पर हार जाए और उस पूरे रीजनल जो डेवलपमेंट है उसके लिए जब उस पर बात आई तो वो चीज़ ज़्यादा ओपन हुई है। अदरवाइज़ तो इंडियन और रॉ के इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ में तो एक बहुत बड़ी पुरानी बात है, सिर्फ उसको अभी रिसेंटली एक्नॉलेज किया गया है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांग्लादेश में अपनी स्टेटमेंट के थ्रू कि वो 1971 में जो मुक्ति बानी थी उसके साथ वो मिल के उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक्टिविटीज़ की हैं। अब सिर्फ ये हुआ कि उसको एक्नॉलेज किया गया और ये बात एक लिहाज से साबित हो गई है कि जो पाकिस्तान की एलिगेशन थी वो बात वहाँ पर क्लियर है।
अब जो दूसरी बात आपने कही ना कि जी रा की इन्वॉल्वमेंट, तो एक बात मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि रा मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो ना सिर्फ उसकी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है बल्कि उसकी इकरास तक जो बॉर्डर अफगानिस्तान में है वो उसको वो यूज़ करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्टिविटीज़ कर रहा है। अगर आप एक चीज़ को देखें कि जब से ये पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई, जिस तरह से आपको पहले आप भी बता चुका हूँ कि 2014 में वायलेंस की शरह मुसलसल कम होती गई दिसंबर तक, और यही सिचुएशन आपकी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2015 भी रही। लेकिन जब पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई अप्रैल में, जब उस पर डेवलपमेंट्स शुरू हुई, जी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए, उनके एग्रीमेंट साइन हुए, उसके बाद ये काम स्टार्ट होना था, तो आपने देखा कि वायलेंस भी बढ़ना शुरू हो गया है। अब ये वायलेंस क्यों बढ़ रहा है, डेफिनेटली इसमें एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट शामिल है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें हमारे अपने लोग भी शामिल नहीं थे, यानी उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, उनको यूटिलाइज डेफिनेटली किया जा रहा है, लेकिन उसके बैक पे इंडिया है और उसकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस। अब्दुल्ला खान साहब, एक बड़ा कंफर्म परसेप्शन मौजूद है कि मदरसे के लोग और मदरसे की तालीमात पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म की रूट कॉजेज़ हैं, जबकि गुज़िश्ता माह सफूरा गोट कराची में होने वाले वाक़े में हमने देखा कि हमारी एजुकेटेड यूथ एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस में कन्विक्शन के साथ इन्वॉल्व हो रही है। आप इस बारे में क्या कहें? असल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिथ्स और रियलिटीज़, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। चूँकि एक ट्रेंड चला आ रहा है और मोस्टली उसकी वजह मगरब में छपने वाली मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, जिसको यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने प्रमोट करना शुरू कर दिया। जो मिलिटेंसी पाकिस्तान में हो रही है उसमें मदरसे का रोल उतना ही है जितना हमारी सोसाइटी में के बाकी सेगमेंट्स का है। ये सैंपल हमारी सोसाइटी का ही मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं। अगर साहब, ये राइट और रॉन्ग, ये जो चीज़ें हैं, ये हम पब्लिक को क्यों नहीं बताई जाती? मैं सबसे पहले आपको बताऊं ना कि मदरसे के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज़रूरी है कि मदरसे इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं। तो क्या इंडिया में मदरसा जो है ना वो वायलेंस में या उसमें टेररिज्म में इन्वॉल्व है? पाकिस्तान में मदरसा भी है, मदरसे के साथ साथ, जैसे अभी आपने खुद बताया कि कराची में जो लड़का है साद अजीज़, उसके ऊपर वो IBA ग्रेजुएट, और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। कोई मेडिकल डॉक्टर थे, अभी रिसेंटली एक ड्रोन अटैक में एक मिलिटेंट कमांडर मारा गया है, वो पाकिस्तानी मिलिट्री से भागा हुआ डॉक्टर था। इसी तरह से और बड़े 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 लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और मतलब सोशल साइंसेज के एक्सपर्ट्स जो मिलिटेंट्स में हैं, इसी तरह मदरसे के लोग भी हैं। उसामा बिन लादन जो है ना वो बहुत बड़ा फिगर था मिलिटेंसी के एरिना में, और इस सारे सिनारियों में वो किसी मदरसे में नहीं पढ़ा। एमन अज़वाहिरी, वो किसी मदरसे में नहीं पढ़ा। इस तरह से बेशुमार ऐसे लोग हैं आपको मिलेंगे। दिस इज़ अ मिक्स जो हमारी सोसाइटी में होता है वही। तो ये जो चीज़ें हैं, हम रिसेंटली अमेरिका में एक रिपोर्ट आई है कि 17% जो वायलेंस है उसको ट्रेस किया जा सके मदरसे के साथ। तो 83% कहाँ से आया है उसके बारे में कभी हम सोचते हैं? हमारी यूनिवर्सिटियों में किस तरीके से लोगों की रेडिकलाइजेशन हो रही है, उसके ऊपर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। तो पूरे जो सोसाइटी के जितने सेगमेंट्स हैं उन सब की तरफ तवज्जो के देने की ज़रूरत है। हम सारी एनर्जी एक तरफ फोकस कर देते हैं। यकीनन मैं इस बात का हामी हूँ कि मदरसों में बहुत ज़्यादा इसलाह की ज़रूरत है, उनके करिकुलम में, उनके मेथड्स में, बहुत सारी चीज़ों में इसलाह की ज़रूरत है और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को उसमें अपना रोल अदा करना चाहिए पॉजिटिवली। लेकिन ये है कि मिलिटेंसी को उसके साथ जोड़ के, सिर्फ मदरसे के साथ जोड़ के बाकी सेगमेंट की तरफ से हम वो कर लें। अब पाकिस्तान में IS का जो उभरता हुआ तासुर सामने आ रहा है, उसको आप पाकिस्तान में मदरसे की तालीमात और उनके साथ किस तरह लिंक करेंगे? IS की आइडियोलॉजी को आपने भी देखा कि सफूरा गोट वाक़े के बाद शायद पढ़ा लिखा तबका अब उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, IS या ISIS दो, यानी इस्लामिक स्टेट या दौलत अल इस्लामिया जो इराक में, वो पाकिस्तान में इस वक्त जो अभी जो ट्रेंड्स हमारा इदारा जो मॉनिटर कर रहा है उसमें, वो सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है। जो प्रीवियसली जो लोग अलकायदा के साथ थे, कोई उसकी तरफ जा रहे हैं, कोई TTP से उसकी तरफ जा रहे हैं, कोई नई रिक्रूटमेंट जो है कि भाई नए लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, उसके अभी ट्रेंड्स नज़र नहीं आया कि वो उसने नए यूथ को, जिस तरह यूरोप से वो हज़ारों की तादाद में लोग उठा के तो वो ले आए हैं, और वो जैसे कि लोग इंस्पायर होकर आ गए हैं इराक और शाम में लड़ने के लिए, ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में नज़र नहीं। अभी पाकिस्तान में जो है ना सिर्फ जो है वो वफादारियाँ बदल ली जा रही हैं। कोई TTP के कमांडर्स डिफेक्ट होकर चले गए हैं, कोई अलकायदा के लोग डिफेक्ट होकर चले गए, कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे वो उनमें शामिल हो गए हैं, कोई IMU के कमांडर अफगानिस्तान में शामिल हो गए हैं। तो अभी पाकिस्तान को IS से कोई बड़ा ख़तरा नहीं है, लेकिन ये एक उभरता हुआ ख़तरा है पाकिस्तान के लिए, और इसके लिए अगर एक स्ट्रेटजी डिवाइज ना की गई तो ये मुस्तकबल में पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करता रहेगा, जिस तरह से मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स कर रहे हैं।
गुलदाद साहब, मैंने अपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान में मसाजिद, गिरजा, मंदिर, मुख्तलिफ तरह की कम्युनिटीज़ और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स को टारगेट किया गया, नहते और मासूम लोगों के खून से होली खेली गई, लेकिन ये तमाम वाकयात बाय डिज़ाइन होते हुए नज़र आते हैं। फॉरेन एलिमेंट के साथ लोकल ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट आप इन वाकयात में किस तरह देखते हैं? देखिए, जिस तरह से आपने कहा ना कि ये सारे वाकयात आपको बाय डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट एंगल और डिफरेंट इसका आस्पेक्ट बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनके डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट और लिमिटेड इंटरेस्ट हैं जो कि स्पेसिफिक टू पाकिस्तान और इस कम्युनिटी के अंदर हैं। कुछ इंटरेस्ट ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स के इंटरेस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ ना सिर्फ इंटरनल हैं बल्कि उसके नेशनल और ट्रांसनेशनल उनके वो फोकस है। इसके अलावा जो बाहर की जो फोर्सेस हैं वो स्पेसिफिक हैं टू दिस कंट्री, स्पेसिफिक टू दिस रीजन, और ये जो सारी जो डेवलपमेंट का ख्वाब है उसके खिलाफ वो एक नाराज उन्होंने बनाया हुआ है। अगर आप पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को फॉर एग्जांपल आप उसको ले लें तो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर एक आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल सेपरेट होती जा रही हैं। इंडिया आपका सेपरेट हो रहा है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जब ये गवर्नमेंट आई थी तो रीजनल कनेक्टिविटी का एक ख्वाब दिया था, इसी वजह से फिर वो आपने देखा होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जब उनकी हुई थी पोस्ट टेकिंग सेरेमनी हुई थी वहाँ से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ गए थे। कनेक्टिविटी को बुनियादी मकसद ये था कि वो सार्क के ममालिक आपस में कनेक्ट हों और यूँ इस कनेक्टिविटी के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लोगों की जो वेल बींग है वो मुमकिन हो सके। लेकिन अगर आप देखें तो ये वो कनेक्टिविटी का ख्वाब जो कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर उसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट शाम की सूरत में मौजूद है वो इंडिया नहीं चाह रहा। अगर आप इंडिया की इस लेटेस्ट ऑब्जेक्शन को देखें जिन्होंने कहा पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन ये दिया है कि हम ठीक है जो गुलदास साहब फॉरेन एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं, हमें समझ भी आती है, जो पाकिस्तान के अंदर पनपने वाले लोकल ग्रुप्स हैं उनके ग्रीवियंसेस कौन दूर करेगा, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज कौन एड्रेस करेगा? देखिए, उसमें रिस्पांस जो होता है वो सोसाइटी का, अगर आप देखें दिसंबर में जो आपका वाकया हुआ एपीएस पे अटैक हुआ तो पूरी नेशन ने रिस्पॉन्ड किया। अब नेशन ने रियलाइज़ किया कि अब टेररिज्म को हम अलाउ नहीं करेंगे, अब हम मिलिटेंसी को अलाउ नहीं करेंगे, अब हमने फौज के साथ मिलकर खड़े होना है और शाना बिशाना खड़ा होना है। इसी तरह से जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 1971 में देखें तो आपके जो बांग्लादेश अलग हुआ तो हमारे कुछ डिफरेंसेस मौजूद थे, यानी वो जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में वो हमारे पास डिफरेंसेस थे, उन डिफरेंसेस को एक्सप्लाइट किया गया। अब भी सिचुएशन यही है कि आपके अंदर जो जो कहीं डिफरेंसेस मौजूद हैं, जो आपके अंदर जो दराड़ें मौजूद हैं, उन दराड़ों को आपके जो एडवर्सरीज हैं वो उसको मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं और उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो दराड़ें मौजूद हैं वो सेक्टेरियन लाइंस पे भी हैं, वो एथनिक लाइंस पे भी हैं, वो हमारे मतलब अगर आप देखें फॉर एग्जांपल आप कराची को ही देख लें, वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट का लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा सीरीज एक इशू है, वहाँ पे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं। अब वो क्रिमिनल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना पड़ेगा, यानी अगर आपने जो जो वो हैं पुलिस को उसको एम्पावर करना पड़ेगा, आपके अदालती निज़ाम है उसको ठीक करना पड़ेगा, और ये वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको जिस तरह से आपने 16 दिसंबर 2014 के वाक़े के बाद एपीएस के अटैक के बाद आप एक नेशनल लेवल पे एक चीज़ लेके आए हैं, नेशनल एक्शन प्लान लेके आए हैं, इसी तरह से आपको एक और नेशनल एक्शन प्लान लेके आना पड़ेगा जो कि आपकी इन जो कम्युनिटीज़ हैं जो आपसे दूर होती जा रही हैं, जो किसी तरह से खफा हैं, दूर तो मैं उसको ना कहूँ, जो खफा हैं उनको वापस आप मेन स्ट्रीम में लेके आएँ। ये आपकी मिसाल है। अब्दुल्ला खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नेशनल एक्शन प्लान हमारे सामने आया, थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स आती हैं और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कई दफ़ा ऐसी अहम मालूमात, अहम रिपोर्ट्स शाया की जाती हैं जो कि पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम दीज रिपोर्ट्स आर इन इंग्लिश, ज़्यादातर ये रिपोर्ट्स इंग्लिश में होती हैं और पब्लिक तक उनकी अवेयरनेस, उनके बारे में शेयर की गई मालूमात नहीं पहुंच पाती। इस सिलसिले में आपके ख्याल में कौन सा ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि आम पब्लिक तक ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मालूमात जो आपने शेयर की वो हमारी आवाम तक पहुँच सके? मैं समझता हूँ कि ए यूज़ टी वी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट्स और उनके फैक्ट्स एंड फिगर को आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया है। इस तरह के प्रोग्राम्स, क्योंकि पब्लिक जनरली ये भी होता है कि क्योंकि जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं उनमें जो वो बड़ी
उनमें लैंग्वेज अगर उर्दू में भी की तो पब्लिक को जनरली क्रक सिख चाहिए होता है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है एयूज़ टीवी ने। एयूज़ टीवी और पिक्स मिल के इस चीज़ को इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे और आवाम तक जो सिक्योरिटी और सलामती के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं उनको हम पहुँचाते रहेंगे। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा भी चीज़ें की जा सकती हैं लेकिन सरदस्त मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा स्टेप है टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। गुलदाद साहब एंड अब्दुल्ला साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है लेकिन लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान। आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सूबों में सिक्योरिटी हालात डेफिनेटली बेहतर होंगे, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन अभी हमें आजकल नज़र आ रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें आप इस चीज़ को अगर आप देखें कि जिस तरह से मैंने बताया कि जब से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई है, उसके बाद से आपके जो मुल्क में मिलिटेंसी के जो रुझान है उसमें इजाफा देखने में आया है। पॉसिबिलिटी अपेरेंटली तो यही है कि इंशाल्लाह हमारी जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो इस पर कंट्रोल करेंगे, चूँकि वो विजिलेंट हैं। जो प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में जो पार्लियामेंट में उसमें यही उन्होंने सजेस्ट किया है कि विजिलेंस आपका एक बेसिक एलिमेंट है, आप उस पर अपनी आँखें खुली रखें। जब आँखें खुली रखने का मतलब ये है कि आप उनके जो एफर्ट्स हैं उनको आप नलीफाई करें। मेरा ये ख्याल है कि इकनॉमिक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के सिलसिले में आपके जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं वो अपनी पूरी की पूरी एफर्ट्स जारी रखेंगे। अभी आपने जो प्रोवोकेशन देख रहे हैं हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे, जो इंडियन पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अगर आप देख लें, और अदरवाइज़ जो आप ये इस मिलिटेंसी के जो इसका जो बढ़ने का जो रुझान है इसको अगर आप देखें, तो उसमें फिर यही आपको करना पड़ेगा कि आप ना सिर्फ इंटरनली अपनी चीज़ें ठीक करें, अपना जो ऑपरेशन है उनको आप कंटिन्यू रखें, और जो मिलिटेंट्स हैं उनके साथ जो है वो सख्ती के साथ पेश हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप एक ऐसी पॉलिसी भी अडॉप्ट करें कि जो आपके जो मिलिटेंट्स जो लोग इस तरफ जा रहे हैं, जो इस फील्ड में आ रहे हैं और मिलिटेंसी की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है, उनको किसी तरीके से स्टॉप किया जाए, और जो लोग ऑलरेडी इसमें फॉल कर चुके हैं और वापस आना चाहते हैं उनके लिए एक सेफ एग्जिट किया जाए। ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन। अब्दुल्ला खान साहब, आप क्या कहेंगे? और देखिए, पाकिस्तान के मुस्तकबल की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है या जो सिनारियो है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। उसमें जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी वजह से भी बहुत सारी बड़ा काम तो बड़े दुश्मन, बड़े फैक्टर्स और बड़ी बड़े जो है ना प्लेयर्स आएंगे वो उसका एक होगा। दूसरी बात यह कि हमारी जो फ्यूचर में जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अफगानिस्तान में जो पीस टॉक्स शुरू हुई हैं, अगर तो वो उसका कोई कंक्लूजन निकलता है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, और अफगानिस्तान में अगर अमन होता है तो वो उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान में जैसे इस वक्त हम देखते हैं कि ISIS जो है ना एक इमर्जिंग थ्रेट के तौर पे उभर रहा है, और अफ़गान तालिबान और उनके दरमियान लड़ाई हो रही है, क्योंकि ISIS जो है ना वो अगर अफ़गान तालिबान को डिफ़ीट करता है या उनको कोई वहाँ पर उसके पंजे गाड़ने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसका इम्पैक्ट स्पिल ओवर पाकिस्तान पर भी आएगा। इसी तरह अगर अफगानिस्तान में वायलेंस एस्केलेट होता है, जैसे अभी अफगान तालिबान ने आज़म के नाम से स्प्रिंग ऑफेंस शुरू किया हुआ है और उसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि वायलेंस बढ़ रहा है, तो अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कोलैप्स करती है या वो इस पे काबू पाने में नाकाम रहती है, और जो कि नज़र आ रहा है कि उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अकेले अफगान तालिबान का मुकाबला कर सके, क्योंकि इंटरनेशनल फोर्सेज भी निकल चुकी हैं, तो उसका स्पिल ओवर जो इफ़ेक्ट है वो भी पाकिस्तान के ऊपर आएगा। और इस तरह से अगर ISIS जो है ना वो पाकिस्तान में सेक्टेरियन ग्रुप जो हैं वो उनको अपने साथ मिला के सिचुएशन ख़राब कर सकती है, अगर अफगानिस्तान में उसको जगह मिल गई या ना भी मिली तो दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट जो हमारा सेक्टेरियन रिफ्ट है मुख्तलिफ जगहों पर, उसमें हम देख रहे हैं। उसमें हमें जो जिन इलाकों पर फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि ये गिलगित बल्तिस्तान, उसमें उसके साथ जो कोहिस्तान है, और ये तोरगर, ये बटग्राम, ये जो पट्टी है इस वक्त ये सेंसिटिव है क्योंकि कुछ मिलिटेंट्स रिलोकेट हुए हैं इस एरिया में, और ऊपर गिलगित में जो है ना वहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो माजी में भी होता रहा है, मुस्तकबल में भी होगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर का टेल और जो उसका हेड और टेल, उसके टेल गवादर में है, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में है, वहाँ पर वायलेंस जो है ना वो बढ़ रहा है। सुफूरा गोट में जो अटैक हुआ है वो उसका टेल समझ लें, क्योंकि वो जो कम्युनिटी है मोस्टली इस्माइली कम्युनिटी, वो गिलगित में होती है जहाँ से इकोनॉमिक कॉरिडोर खुजरा पास और इधर से जो गिलगित से गुजरेगा, तो उस कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई और फ्यूचर में भी करने की कोशिश की, हेड और टेल दोनों के ऊपर और दरमियान में भी।
अगर आप वायलेंस की पट्टी देखें तो हमारा जो वेस्टर्न रूट है उसके दाएं बाएं वायलेंस आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। जो जो इमर्जिंग ट्रेंड्स अभी जैसे डेरा इस्माइल खान टांक और इस तरफ जो है ना, अभी कुछ अटैक्स हमें पिछले एक डेढ़ हफ्ते के दौरान वहाँ पर भी नज़र आना शुरू हुए हैं। तो ये जो रूट है इसके इर्द गिर्द हमें वायलेंस नज़र आएगा मुस्तकबल में। अब हम उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, इसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये फ़ौज के अकेले करने का काम नहीं, पूरी कौम और उसमें सिविलियन जो पार्ट है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, उसका एक मेजर रोल होगा। अब्दुल्ला साहब, स्टेट कर क्या रही है? हम मासूम, हम नहते आवाम कब तक मरते रहेंगे? इस ज़मीन में हुकूमत को, फ़ौज को मिल के डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप लेना है, लेकिन आपके ख्याल में हुकूमत की तरफ से ऐसी क्या वाज़ह पॉलिसी आनी चाहिए कि हमें, हम आवाम को वाकई नज़र आए कि जी हुकूमत हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई बहुत बेहतर काम करे। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जिस सिचुएशन में पाकिस्तान, इस वक्त हमें हुकूमत की नहीं पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, रियासत की बात करनी चाहिए। हुकूमतें आई चली गई, कौर आई हैं चली जाएंगी। इस वक्त बात यह है कि जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, उसका स्पेल ओवर इफेक्ट हुआ, फिर आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर का सिलसिला शुरू किया तो उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो आपकी, मैं समझता हूँ कि हमने बहुत इन हालात में बड़ा अच्छा किया है और मज़ीद अच्छा हो सकता है। और जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इस वक्त जिस अच्छी पोजिशन में है, ये इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें राइट डायरेक्शन में इस वक्त मूव कर रही हैं। हमें आवाम को अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपने स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इदारों के ऊपर एतमाद की ज़रूरत है, ना कि हम जो है ना स्टेट को डिस्कार्ड करते रहें कि भाई स्टेट ने क्या किया। स्टेट ने बहुत कुछ किया। डेफिनेटली थिंक टैंक्स की तरफ से भी सजेशंस आती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया गुलदाद साहब आपका, मिस्टर अब्दुल्ला खान आपका, आपकी वैल्यूएबल सजेशंस, आपकी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ सिक्योरिटी इश्यूज़ पर शेयर की। हम गाहे बगाहे आपको अपने प्रोग्राम में ज़हमत देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। नाजरीन, ए यूथ टीवी आपके लिए रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स विद ऑल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लेकर आता रहेगा। अगर आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ पिक्स की बारे में मज़ीद मालूमात जानना चाहें तो आप इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.picss.net। इसके साथ ही अपनी मेज़बान रीमा शौकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।